छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में ये झिक्की गांव है, जिसे इस पूरे इलाके में यहाँ की लीची की खेती के कारण जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि 50 साल पहले जब यहाँ के एक किसान ने लीची का पहला पौधा लगाया, उस समय तक यहाँ किसी ने लीची की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन उसके बाद उसी लीची के एक पौधे से इस पूरे इलाके में लीची के पेड़ लगे। हालांकि बाजार की बदलती ज़रूरतों के साथ तालमेल न बिठाने के कारण लीची की ये खेती यहाँ एक संकट के दौर से अब गुजर रही है। हर घर में लीची के पेड़ वाला ये गांव है झिक्की। झिक्की छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। इस गांव में लीची के पेड़ अभी तो हर घर में नजर आ रहे हैं, लेकिन लीची के आकर्षण में इस गांव के लोगों को आने की शुरुआत इस पेड़ से हुई। बुजुर्ग आनंद साहू ने करीब 70 साल पहले कोलकाता से ये पेड़ मंगाकर लगाया था, और इसके बाद तो इस इलाके के लोगों को लीची से ऐसा मोह हुआ कि रसों से भरा ये लाल दानेदार छिलके वाले सफेद फल यहाँ की पहचान बन गए। कलकत्ता से मंगाए साहब लोग, मंगा दिए ब्लॉक का, समझ गए। तो वहाँ से वो खबर किए, फिर हम गए, फिर वहाँ से लाए और ला करके इसको लगाए हम। हाँ, उसके बाद मैंने फल शुरू हो गया तो फिर सब लोग देख देख के, और हम कलम भी काटने के लिए बुलबुला गए थे सीखने के लिए, तो वहाँ से हम सीख सब के आए हैं और कलम भी बेचे हैं बहुत। लीची के मोह में आकंठ डूबा ये गांव झिक्की लीची के लिए मशहूर बिहार के मुजफ्फरपुर से भी एक कदम आगे दिखता है। मुजफ्फरपुर में लीची की खेती खेतों में होती है, लेकिन बगीचा ब्लॉक के झिक्की गांव में घर में लीची का पेड़ अनिवार्य शर्त जैसा नजर आता है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां दो या चार लीची के पेड़ न लगे हों। वैसे तो इस इलाके की मुख्य फसल धान ही है, लेकिन ऐसे किसान ढूंढना कोई मुश्किल नहीं जो अपनी 4 से 6 एकड़ की पूरी जमीन पर लीची की ही खेती करते हैं। हालांकि ऐसे किसानों के लिए हाल के वर्षों में संकट बढ़ा है, क्योंकि उन्हें लीची का भाव नहीं मिल पाता। मार्केट में जो लोग खरीदते हैं वो तो 100-150 रुपये किलो तक खरीदते हैं, और जो यहाँ मतलब आते हैं व्यापारी बाहर से, वो कहें कि बहुत कम मात्रा में आते हैं, कम लोग आते हैं, तो हम लोग को बाजार के जो भाव है उस भाव से हम लोग को नहीं मिल पाता है रेट, जो रेट आप लोग को मिलना चाहिए। और अपन मतलब यहाँ पे वही 25 से 30 रुपये KG के हिसाब से ही मतलब खरीदते हैं और ले जाते हैं। लीची ने इस गाँव को समृद्धि का रस दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से आई मुश्किलें लीची किसानों के लिए संकट बढ़ा रही हैं। किसानों का कहना है कि उनके लिए बाजार का संकट सबसे बड़ा है, जिससे बचने के लिए कई तो पेड़ों को ठेके पर उठा देते हैं, और जो खुद से फल बेचने की कोशिश करते हैं उन्हें व्यापारियों की गिरोहबंदी का शिकार होना पड़ता है। इस कारण किसान भले लीची की खेती से प्यार करता हो, लेकिन प्रति एकड़ 50 से 60 हजार की आमदनी के साथ ये खेती उसकी समृद्धि का सबब नहीं बन पा रही। व्यापारी जो बाहर से आते हैं, वो एक व्यापारी आता है, आके देखने के बाद में वो देख के चला जाता है, दूसरा व्यापारी जब आता है उसको सामने वाला वो बोल के रखता है कि नहीं आप मतलब मैं ले रहा हूँ इस फसल को, आप मत आना यहाँ का के, उसके कारण से हम लोग को लीची में रेट नहीं मिल पाता है, अच्छी रेट नहीं मिल पाती है। दूसरा व्यापारी आता तो कंपटीशन होता तो हमको भी अच्छा रेट मिल जाता। व्यापारियों की गिरोहबंदी से मुकाबले के लिए सरकार किसानों को भी एकजुट करने की योजना बना रही है। किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान एक साथ लीची अच्छे से अच्छे भाव पर बेच सके, फिर वो स्थानीय छोटे व्यापारी हों या दूसरे राज्यों के बड़े कारोबारी। यहाँ किसानों को जो उत्पादन करते हैं उसका सही मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए जो हम लोग किसानों को संगठित करके एक FPO बनाने के सोच रहे हैं, और शासन का भी निर्देश है, और जैसे हम लोग वहाँ इसका प्रयोग किए हैं सन्ना क्षेत्र में, उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। पिछले साल पहला उनका वो था वर्ष था जिसमें वो लोग 40 लाख का कारोबार किए, उसमें मिर्च टमाटर और नाशपाती खरीद बिक्री किए हैं, जो किसानों को भी अच्छा रेट मिला और बिचौलिए से भी उनको बचत हो गया। बाजार तक पहुंचने और मार्केटिंग के अलावा झिक्की के लीची किसान लीची के पेड़ों में लगने वाली बीमारी से भी जूझ रहे हैं। 6 साल पहले से यहां के लीची के पत्तों में एक रहस्यमय बीमारी लग रही है, जिसके कारण किसानों का कहना है
कि पिछले साल महज 25% उत्पादन हो सका। बागवानी विभाग के अधिकारी हालांकि दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों की मदद करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन नतीजे अब तक आशाजनक नहीं हो सके हैं। एक साल पहले किसान यहाँ शिकायत लेके आए थे कि हमारे लीची पेड़ में बीमारी है जिसके कारण फलन नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने प्रयास से मैंने एक कृषि विज्ञान केंद्र वालों को बुलवाया, उनका टीम, और यहाँ पूरा एक दिन उनका कार्यशाला रखवाया, पूरे किसानों को एकत्रित करके उनको समझा बताए वो लोग कि मैंने उस बीमारी का क्या इलाज है। तो उन्होंने बताया कि मैंने पूरे पेड़ को एक साथ काटना पड़ेगा तभी, और कुछ दवाई भी लिख के दिए इसको करने से और सभी पत्तियों काट के जला देने से ये बीमारी यहाँ समाप्त होगा। पर देखा गया कि मैंने वो किसान जो है कुछ ही किसान वो कर पाए, जबकि ऐसा करने से क्या है वो कुछ भी पेड़ों में तो बीमारी रह जाएगा, कीटाणु जो है, और उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाएगा। किसान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक एक ओर तो बताई गई दवाइयां रायपुर तक में उपलब्ध नहीं हैं, और दूसरी ओर वैज्ञानिकों की कुछ सलाह अव्यवहारिक है और लागू नहीं की जा सकती। बीमारी का पहले लक्षण दिखते ही हम लोग ने मतलब संजय निकुंज बूढ़ा डांड से संपर्क किया, उनके द्वारा बताया गया कि आप लोग कृषि विश्वविद्यालय जाइए। तो हम लोग कृषि विश्वविद्यालय उसके डगाली को जो बीमार ग्रस्त शाखाएं थी उनको तोड़ करके हम लोग ले गए और वहाँ उसका जांच करवाए। वहाँ से दवाई हम लोग को बताया गया, अंबिकापुर में दवाई नहीं मिला, बिलासपुर रायपुर खोजे तो भी दवाई नहीं मिला, कुछ दवाई और कुछ दवाई मिला, और उसका छिड़काव किए तो उसमें भी बीमारी में कोई फर्क नहीं आया। 3-4 वर्षों में धीरे धीरे ये बीमारी जो है पत्ती में जो लगती है वो प्रभावित की है, और उस पेड़ के में बीमारी लग जाने से 2 साल से तो बिल्कुल फल आया ही नहीं, और उसके निदान के लिए कृषि वैज्ञानिक लोग रायपुर से आए हुए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि पेड़ के नीचे का जो पत्ती वगैरह होता है उनको जला दिया जाए और उनके डाली को तोड़ दिया जाए, और तो उससे आपको मैंने निदान मिल सकता है, और दवाई भी लिख दिए थे, लेकिन कृषि वैज्ञानिक की तरफ से बताया गया दवाई का यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि बीच में उन लोग आए भी नहीं थे, आएंगे बोले थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि झिक्की और आसपास का ये इलाका लीची उत्पादन के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार और किसान दोनों को सम्मिलित प्रयास करने होंगे। अपना बाजार तैयार करने के लिए जहां किसानों को संगठन की शक्ति का सहारा लेना होगा, वहीं लीची की खेती के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों को किसानों के खेतों तक पहुँचाने का बीड़ा सरकार को उठाना होगा। केवल तभी लीची से लिखी जा रही समृद्धि की ये इबारत अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी। लीची की खेती की ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, बशर्ते कि बाजार के इस दौर में बाजार की समस्याओं को पिछले 50 साल से चल रही खेती के तौर तरीकों से हट कर देखा जाए और लीची की खेती को किसान लीची का कारोबार समझकर उस हिसाब से उस पर काम करें। जशपुर जिले के झिक्की गाँव से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।